आप सभी को सादर जय जिने। मैं समय सत्य प्रधान आप सभी के समक्ष पानी कैसे छाना जाता है यह बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैनी होने के 3 लक्षण, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और छानकर पानी। छानकर पानी यह हमारे जैनत्व का गौरव है, जैनी कहलाने का परिचय देता है। पानी कैसे छाना जाता है, जीवाणी कैसे दी जाती है, हमारा छन्ना किस प्रकार का होता है, इन्हीं सब बातों का लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारा छन्ना कैसा हो। हमारा छन्ना अर्थात हमारा ध्वज यह जैनी होने का परिचय देता है। अगर आप स्टेशन पे अपने छन्ने को निकालिए तो अपने आप लोग समझ जाएंगे कि आप जैनी हैं। तो चलिए हमारा यह छन्ना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह कैसा हो। सबसे पहले जब इस छन्ने को हम इस तरीके से सिंगल करें और सूर्य की किरणों के सामने इस तरीके से रखें तो इसके आर पार हमें सूर्य की किरणें ना दिखे, मतलब इससे सूर्य की किरणें पास ना हो, ऐसा इतना मोटा छन्ना हमें डबल करके इससे पानी छानना है। ठीक है, डबल करके ही छानना है, सिंगल छन्ने से हमें पानी नहीं छानना है। हमारा छन्ना हमेशा सफेद कलर का अर्थात इस तरीके से जो फीका कलर होता है उस तरीके का होता है, क्योंकि जो ये कपड़ा होता है जब यह बनता है तो इसका नेचुरल कलर इसी तरीके का होता है। अगर हम किसी कलर्ड कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, रंगीन कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जरूर जरूर ब्लीच, रंग, डाई आदि किए होंगे, और जब वो ब्लीच या रंग हम पानी छानेंगे तो हमारे पानी में जाएंगे और कई तरीके की उससे हानि भी हो सकती है और जीव हिंसा तो होती ही होती है। तो हमारा छन्ना एकदम सफेद, मतलब इस तरीके के फीके कलर का होता है। एक बात और है कि छन्ना इतना चौड़ा या इतना लंबा होना चाहिए जो हम बर्तन पर रखें, जैसे कि ये मैंने पानी छानने के लिए बर्तन रखा है, तो इस पर जब हम रखें तो यह जब हम इस छन्ने को अंदर करें उसके बाद भी यह इतना लंबा इतना चौड़ा आजू बाजू से निकला होना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर हम इतना चौड़ा या इतना लंबा छन्ना नहीं लेंगे तो जब हम पानी छानेंगे और पानी छाने के कारण ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा आजू बाजू, और जब ये गीला हो जाएगा और जब हम इसे पकड़ेंगे तो हमारे जो हाथों की गर्मी, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, और जब हम अपने हाथ इसमें लगाएंगे तो उस हाथों की गर्मी के कारण यहाँ जीव मर सकते हैं, मरते ही है, इसीलिए हमें छन्ना इतना चौड़ा और इतना लंबा रखना है। दूसरी बात यह है कि हमें सिर्फ छन्ने का ही इस्तेमाल करना है। हम कई बार देखते हैं कई घरों में छन्नियां इस्तेमाल होती है, मतलब थैलियां लगी हुई हैं या किसी फिल्टर जैसे गोल राउंड के शेप में छन्ना सिला हुआ है या गोल शेप की एक छन्नी जो डबल होने पर उसे नाड़े आदि लगा के सिल दिया जाता है। इस तरीके का कपड़ा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका कारण भी है कि जब हम इस तरीके की छन्नियां फिल्टर आदि सिलते हैं तो उसमें जरूर सुई का इस्तेमाल होता है, और जब सुई का इस्तेमाल होगा तो जो छन्ना है उसके रेशे सघन होते हैं, मतलब कंजस्टेड होते हैं, और जब हम सुई को उस पर डालेंगे तो उसके जो रेशे हैं वो फैल जाएंगे, और जब रेशे फैल जाएंगे तो उसमें से जो पानी जाएगा वो अनछना पानी होगा। इसीलिए हमें ऐसा छन्ना इस्तेमाल करना है जिसमें सुई या धागे का इस्तेमाल ना हुआ हो, प्लेन हो पूरा। तो इस तरीके के हमारे छन्ना होता है। चलते हैं अब हमारे बर्तन कैसे हों। तो मैंने यहाँ पे 3 बर्तन लिए हैं, जिसमें एक में मेरा अनछना पानी रखा हुआ है, एक में मुझे पानी छानना है और एक में जीवाणी देनी है। ऐसे 3 बर्तन हमें पानी छानने के लिए लगेंगे। तो अनछना पानी हमें जिस बर्तन में छानना है वह बर्तन, और जिसमें हमें जीवाणी देनी है वह बर्तन एकदम सूखे होने चाहिए, एकदम सूखे जिसमें एक भी बूंद पानी की ना हो। चलिए पानी छानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो छन्ना है वो अपने बर्तन पे रखें और इस तरीके से रखें कि वो सब तरीके से सभी जगह से एक जैसा निकला हुआ हो, और इस तरीके से इसको अंदर करें। छन्ना भी एकदम सूखा हो, गीला छन्ना हमें इस्तेमाल पानी छानने में नहीं करना है। इसके बाद हमारा जो बर्तन है वो भी सूखा है, और जिससे हमें पानी लेना है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए
वो भी एकदम सूखा होना चाहिए। और जब हम इस बर्तन को अनछने पानी में डालेंगे तब हमारी उंगलियां इसको इस तरीके से पकड़े कि जो हमारी उंगली है वो अनछने पानी में ना जाए, क्योंकि जब हमारी ये उंगलियां अनछने पानी में जाएंगी तो अनछने पानी में तो जीव है ही, और वो जीव हमारे उंगलियों से लगेंगे और हमारी उंगलियों को स्पर्श करेंगे तो हमारी गर्मी के कारण वह जीव मर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा हाथ अनछने पानी वाले हो गए तो जब हम एक दूसरे में पानी ट्रांसफर करेंगे, अगर वो छन हमारे जो हाथ गीले हैं वो तो अगर अनछने पानी में जाते हैं तो पानी वो जो छना हुआ सारा पानी है वह भी अनछना हो जाएगा। इस तरीके से हमारे हाथ भी अनछने पानी में नहीं डूबने चाहिए, एकदम सूखे होने चाहिए। अब हम चलिए पानी छानते हैं। तो इस तरीके से हमें पानी लेना है, मेरे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं, और पानी हमने एक भगोने से दूसरे भगोने में इस तरीके से डाला और छन्ने को इस तरीके से पकड़ के पहले हमें अपने जो बर्तन है उसको दो बार धुलना है। मैंने इस तरीके से एक बार इसको धुल लिया है, फिर हमें एक बार और धोना है इसको। अभी भी मेरे हाथ गीले नहीं हुए हैं, एकदम सावधानी से पानी भी बाहर ना गिरे और हमारे हाथ भी गीले ना हो। हमने फिर से एक बार अपने इस बर्तन को धोया और इसमें पानी डाल दिया। अब जब हम पानी छानेंगे तो हम इस तरीके से पानी छान लेंगे। आप बर्तन से ही सीधा ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पानी भी बाहर नहीं गिरा, मेरे हाथ भी गीले नहीं हुए और हमारा पानी भी छन गया। यह हो गई हमारे पानी छानने की विधि। लेकिन अभी सबसे मेन जो स्टेप है वह है जीवाणी देने का। हम जीवाणी किस तरीके से दे यह आप जरूर बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इतना तो सब कर लेते हैं पर जीवाणी किस तरीके से देनी है वह हम नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से इसे पकड़ा है कि मेरे हाथ जहाँ पानी है वहाँ नहीं लग रहा है। अब धीरे से अगर ये पूरा पानी जब इसमें बर्तन में चला जाए, हमें हाथ से निचोड़ना भी नहीं है, जहाँ गीला है वहाँ हमें हाथ ही नहीं लगाना है। इस तरीके से आराम से इसको दूसरे में उलट देना है। मैंने ये उलट दिया है और इस तरीके से मैंने अंदर हाथ नहीं लगाए हैं और ये इस तरीके से जाए। मुझे इस तरीके से इसमें हाथ भी नहीं डालने कि जब अगर मैं इसमें हाथ डालूंगी तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि मेरे हाथों की गर्मी से जीवों की हिंसा होगी। इस तरीके से हम इसमें पानी डालेंगे चारों तरफ से। ये छना हुआ पानी था जिससे हमें जीवाणी डालनी है, अनछने पानी से जीवाणी नहीं डालनी है। एक लेयर की जीवाणी हमने दे दी है, चलते हैं दूसरे लेयर की तरफ। दूसरे लेयर पे हमें कैसे जीवाणी देनी है, ये ऐसे हमने छन्ना पकड़ा हुआ है, इसको आप एक ही हाथ में इस तरीके से पकड़ ले और ये जो बर्तन है उसको इस तरीके से पकड़ के आपको फिर ऐसे चारों तरफ दूसरी लेयर पे पानी डालना है। ये हमारी दूसरी लेयर की जीवाणी हो गई है। आराम से इसी को इस तरीके से इसी बर्तन में पानी बाहर ना गिरे, सारा पानी जो जीवाणी का है वो इसी में गिरे। इस तरीके से मुझे इसको खोलना है आराम से, और इस तरीके से मैंने इसे खोला। ये मेरा पूरा छन्ना खुल गया है और फिर इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए। तो तीसरी लेयर की हम जीवाणी दे रहे हैं। ये हमने तीसरी लेयर की जीवाणी दी है और इसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी चौथी लेयर है, उसको इस तरीके से कर लीजिए और चौथी लेयर पे जीवाणी आराम से डालिए कि पानी किसी बर्तन के अंदर जाए। ये हमने जीवाणी दे दी है। इस छन्ने को अभी आपको इस तरीके से ही रखना है। जैसे कि आप अपने घरों में छानेंगे तो एक वॉश बेसिन होगा, उसके ऊपर नल भी लगा होगा, तो उस छन्ने को आप इस तरीके से ऐसे हैंग कर सकते हैं ताकि इसका जो पूरा पानी है वो उसी बर्तन में चला जाए और सारा पानी उस वॉश बेसिन उस बर्तन में निकल आए, क्योंकि अभी भी इस पानी में जीव होंगे। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा, मतलब पूरी तरीके से निचोड़ जाएगा, हमें हाथ से नहीं निचोड़ना है, ये इस तरीके से आप टांग देंगे तो ये पूरा पानी निकल जाएगा, तब आप इसको सुखा दें।
तो अभी मैं इसको इसी तरीके से इस बर्तन के यहाँ रख रही हूँ। फिर हम इसकी जीवाणी डालेंगे, मतलब इसको सुखा देंगे। और जो ये मैंने बर्तन लिया है इसमें हमने हमारी जीवाणी रखी हुई है, अब इसको हम कहीं भी ना डालें, मतलब सूखे स्थानों पर या फिर नाली वगैरह में इस तरीके से हमें नहीं डालना है। हमारे घरों में कुएं की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, तो हम इस जीवाणी को कहाँ डालें। तो आपका जो वॉश बेसिन है उसमें हम पहले जो हमने छना पानी रखा हुआ है, एक ग्लास आप छना पानी लें और ऐसे ही वॉश बेसिन में डाल दें। उसके बाद हमने जो छना पानी डाला है उसकी कंटिन्यूटी हो जाएगी, नाली में पहले छना पानी जाएगा, उसके बाद हम अनछना पानी डालेंगे, जीवाणी डालेंगे जो हमने जीवाणी लिए। मतलब पहले हमने क्या डाला है, एक ग्लास छना पानी डाला वॉश बेसिन में, उससे कंटिन्यूटी बन गई छने पानी की नाली में, उसके बाद हमने जीवाणी डाली, फिर से एक ग्लास आप छना पानी वॉश बेसिन में डाल दीजिए। तो क्या होगा, जो हमारे जीवाणी के जीव है वो दो छने पानियों के बीच में रहेंगे, इससे जीव हिंसा नहीं होगी। और शायद इस तरीके की सावधानी रख के हम बहुत जीव हिंसा को बचा सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से तो जीवाणी प्रॉपर यह नहीं है डालने का, लेकिन हमारे घरों में कुएं की व्यवस्था नहीं है तो इस तरीके से हम सावधानी रख सकते हैं, क्योंकि फल तो हमारे परिणामों का लगता है, जितनी हम सावधानी रखेंगे उसी अनुसार यह होगा। तो छन्ने को आप प्रॉपर तरीके से सुखा दें, छन्ना भी आपका गीला ना हो, अगर छन्ना गीला रहेगा तो उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अब जो हमारा पानी छना है उसकी एक लिमिट है, मतलब एक मर्यादा होती है कि यह पानी मात्र 48 मिनट तक छना रहेगा, उसके बाद इसमें वापस से जीवों की उत्पत्ति होने लगेगी। तो अगर हमें इसकी मर्यादा को बढ़ाना है, इस छने पानी की लिमिट को बढ़ाना है, तो या तो आप इसको बॉयल कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसको 6 घंटे तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लौंग, सौंफ, अनार का छिक्कल आदि ऐसी चीज इसमें अगर डालें तो टेस्ट और कलर बदलने की वजह से इसकी मर्यादा बढ़ जाती है। और यह 12 घंटे के लिए भी बॉयल किया जा सकता है और 24 घंटे के लिए भी बॉयल किया जा सकता है। तो आप जिस तरीके से भी इसकी मर्यादा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 48 मिनट में तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा और पानी वापस से अनछना हो जाएगा। हम जैनी है, जैनत्व का हमें गौरव बना रहे, इसके लिए इस तरीके की पानी छानने की विधि आप जरूर जरूर अपनाएं और इसी विधि को अपना कर पानी को छानें, मर्यादा का पानी इस्तेमाल करें। एक बार छानने के बाद 24 घंटे के लिए फ्री ना हो जाए, क्योंकि प्रमाद ही हमें पाप की ओर ले जाता है। इसीलिए पाप में मुख्य कारण हमारा प्रमाद ही है, प्रमाद छोड़कर पानी अवश्य अवश्य छाने। जय जिनेंद्र जी।